इडिट्स के शो में चाय मिलेगी फ्री। इश्किया के प्रोमो को दोबारा मिला ए सर्टिफिकेट। बच्चन परिवार आएंगे एक साथ, राजकुमार और सनी आए एक साथ, नील का सोशल वर्क, अक्षय ने पोस्टपोन की अपनी वेकेशन। बॉलीवुड की टॉप स्टोरीज। थ्री इडियट्स का अगर मॉर्निंग शो आप देखने जाओगे तो आपको मिलेगी फ्री चाय और बिस्किट। वेल, यही है फिल्म को प्रमोट करने का नया आइडिया। मगर ये शो होगा सुबह के 6 बजे का। ठीक है, फिल्म आमिर की है, मगर कौन एक फ्री कप चाय के लिए इतनी सुबह अपनी नींद खराब करना चाहेगा। इश्किया फिल्म के दूसरे प्रोमो को भी सेंसर ने ए सर्टिफिकेट दिया, और इस बार फिल्म के डायलॉग को लेकर, और इसीलिए अब फिल्म के डायरेक्टर इस डायलॉग को चेंज करवा रहे हैं ताकि फिल्म टेलीविजन चैनल पर प्रमोट हो सके। पा फिल्म के बाद अभिषेक बच्चन एक और फिल्म प्रोड्यूस करने की सोच रहे हैं, जिसमें हमें पूरा बच्चन परिवार नजर आएगा। वी मीन अभी और ऐश, और साथ में अमिताभ और जया बच्चन। चलिए, इन चारों को एक साथ देखने की इच्छा शायद जल्द ही पूरी हो जाए। कहा जा रहा था कि राजकुमार संतोषी और सनी देओल के बीच आजकल बनती नहीं है, मगर रिसेंटली सुनने को मिला है कि इन दोनों ने अपने सारे डिफरेंसेस दूर कर दिए हैं और एक साथ काम करेंगे। यानी राजकुमार संतोषी की अगली फिल्म में सनी देओल लीड रोल करेंगे। नील नितिन मुकेश ने ये तय कर लिया है कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू करेंगे जो कि जरूरतमंद औरतों की मदद करेगी, और इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम नील अपनी दादी के नाम पर रखना चाहते हैं। अक्षय कुमार इतने डेडिकेटेड एक्टर हैं कि वो काम के लिए अपने वेकेशन को भी पोस्टपोन कर सकते हैं। अक्षय ने डिसाइड किया था कि वो क्रिसमस और न्यू ईयर अपनी वाइफ ट्विंकल और बेटे आरव के साथ मनाएंगे, लेकिन अक्षय ने अपना प्लान कुछ दिन के लिए पोस्टपोन किया क्योंकि उन्हें अपनी फिल्म पटियाला हाउस के मुहूर्त को अटेंड करना था। बॉलीवुड की कौन सी थी वो खबरें जो चर्चा में रही, कितनी फिल्में रही हिट और कौन सी मूवी गई पिट। 12 महीनों की सारी टॉप स्टोरीज आपको मिलेंगी हर घंटे साल के आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर को सिर्फ ETC एक्स्ट्रास पर। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स लेटर इन द डे।